हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास टॉपिक फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेंड्स, इससे पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने वोलेट्रा डिफरेंट इंटीग्रल इक्वेशंस और उनके सॉल्व कैसे करते हैं, उनको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके पे हमने कुछ वीडियोज बनाई थी। इस वीडियो में हम या यूनिट फर्स्ट पढ़ी थी, हम कह सकते हैं यूनिट फर्स्ट जो थी वो वोलेटाइल इंटीग्रल इक्वेशन थी। यूनिट सेकंड जो है वो है हमारे पास फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन। ये यूनिट सेकंड है हमारे पास फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन। इस वीडियो में हम जो जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन होता है क्या है, उसके क्या क्या प्रकार है, सॉल्यूशन ऑफ फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन देखेंगे, रीसॉल्वेंट कर्नल फॉर फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन, सेपरेबल कर्नल, सिमेट्रिक कर्नल, उसके बाद ये सब कुछ हम पढ़ेंगे और साथ में ही कुछ एग्जांपल्स भी हम इसमें सॉल्व करते जाएंगे सभी के। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे और समरी। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस चैप्टर कंटेन डेफिनेशन एंड वेरियस टाइप ऑफ फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशंस, वेरियस मेथड टू सॉल्व फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड काइंड, रीसॉल्वेंट कर्नल एंड यूज टू सॉल्व फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव जो है इसका हमारे पास, फर्स्ट है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम रिड्यूस टू फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन, मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू सॉल्व वोलेटरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, एंड इटरेटेड कर्नल एंड न्यूमन सीरीज फॉर फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन, जो कि हमने वोलेटरा इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए पढ़ेंगे। जैसे कीवर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस एंड इटरेटेड कर्नेल्स। अब हम फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होते हैं फ्रेंड्स, फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास एच एक्स यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए टू बी, के एक्स जाई यू जाई डी जाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। बेसिकली अगर यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स डिनोट हो जाता है ये भी, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये वोलेटरा इंटीग्रल इक्वेशन बन जाती है। अब चूंकि ये कॉन्स्टेंट है ए और बी, तो ये फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन है। दैट इज बी एक्स बराबर बी, इन केस बी कैन से फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन बोथ लोअर एंड अपर लिमिट आर कॉन्स्टेंट, यानी दोनों लिमिट जो है कॉन्स्टेंट हो, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो इक्वेशन है वो फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन है। अब टाइप ऑफ फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन देखते हैं। इफ एच एक्स बराबर जीरो, अगर एच एक्स यानी कि ये टर्म जीरो है, तो हमारे पास ओनली क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा एफ एक्स प्लस और ये टर्म इक्वल टू जीरो, या इसको लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स इक्वल टू ए टू बी के एक्स जाई यू जाई डी जाई। इस इक्वेशन को कहते हैं फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर एच एक्स बराबर वन है, एच एक्स बराबर वन है तो यू एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस ए टू बी के एक्स जाई यू जाई डी जाई, इसको कहते हैं फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। और अगर हमारे पास एफ एक्स बराबर जीरो हो, फ्रेंड्स एफ एक्स बराबर अगर जीरो हो, तो उस कंडीशन में कहते हैं होमोजीनियस फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन, उस कंडीशन हम कहते हैं उसको होमोजीनियस फर्दुलम इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये हमारे पास इसके कुछ काइंड्स हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, पहले रिड्यूस द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम टू फर्दुलम इंटीग्रल इक्वेशन, रिड्यूस द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम टू फर्दुलम इंटीग्रल इक्वेशन, वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई इक्वल टू वन, जहाँ पे वाई जीरो एट जीरो है और वाई वन पे जीरो है, गिवन बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास ये है, हमारे पास वाई डबल डैश बराबर वन माइनस एक्स वाई, तो इंटीग्रेट कर दिया हमने इसको, तो इंटीग्रेशन करने पे आ गया वाई डैश एक्स, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव, तो एक डेरिवेटिव रह जाएगा, वन का इंटीग्रेशन किया जीरो टू एक्स के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, और यहाँ पे सिंपली चेंज ऑफ वेरिएबल कर दिया, यानी जाई और वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो वाई जाई डी जाई प्लस सी वन। अब यहाँ पे अगर हम देखें सी वन को निकालना है, तो सी वन को किस तरह से निकाल सकते हैं, वाई डैश की अगर कोई कंडीशन होती है, पर वाई डैश की कंडीशन नहीं है, तो यहाँ से हम सी वन को नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने इसको अगेन इंटीग्रेट कर दिया ओवर जीरो टू एक्स,
तो फिर से इंटीग्रेशन किया तो ये वाई डैश तो जाएगा वाई एक्स, और ये हो जाएगा एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिमिट 0 टू x माइनस 0 टू x, और ये हो जाएगा हमारे पास जो कि हमने वॉलेटराइट इंटीग्रल इक्वेशन में देखा था, ये 0 टू x, और ये हो जाएगा 0 टू, बेसिकली अगर इसको x बन देते हम जाई वाई जाई डी जाई और इसका डी जाई वन, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अगर इस तरह से कुछ कंडीशन हो तो हमारे पास ये चेंज हो जाता है 0 टू x, और ये हो जाता है हमारे पास x जाई की जगह जाता है x माइनस जाई, यहाँ पे जाई वाई जाई डी जाई, इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली फ्रेंड्स ये जो फर्दोल इक्वेशन थी, ये जो लैम्बा हमने पढ़ी थी 0 टू x, 0 टू x1, 0 टू xn-1, 0 टू xn fxn, dxn, dxn-1, dxn जो है ये इक्वल टू होता है हमारे पास 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल, और ये हो गया हमारे पास a2x x माइनस जाई n-1 fj dj। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने यहाँ पे ये चेंजेस किए हैं। अब फ्रेंड्स जब हमारे पास ये आ चुका है तो हमारे पास जो गिवन कंडीशंस है, गिवन कंडीशन क्या है, वाई जीरो पे जीरो है, गिवन कंडीशन वाई जीरो पे जीरो है, तो हमने ये यूज की, एक्स बराबर जीरो पुट किया तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा ये टर्म, और बेसिकली ये टर्म जीरो, जीरो टू इंटीग्रेशन की वाली टर्म 0 टू 0, यानी कि ये जीरो और ये सी एक्स जीरो, तो सी टू बराबर यहाँ से आ गया जीरो। अब सेकेंड कंडीशन क्या थी, वाई वन बराबर जीरो, अब वाई वन बराबर भी जीरो है तो यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन यूज करनी है, तो वाई वन बराबर जीरो, तो यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो इक्वल टू वन पे 1 अपॉन 2 माइनस 0 टू 1, एक्स की जगह 1 पुट करना है, एक्स माइन 1 माइनस जाई, जैसे यहाँ पे पुट किया 1 माइनस जाई जाई वाई जाई डी जाई इक्वल टू सी वन प्लस सी वन, तो यहाँ से सी वन की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, सॉरी सी वन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये टर्म, यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 माइनस जाई जाई वाई ऑफ जाई डी जाई माइनस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये सी वन की वैल्यू आ चुकी है। अब सी वन की वैल्यू जब हम इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे तो वाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस 0 टू x एक्स माइनस जाई जाई वाई जाई डी जाई प्लस एक्स 0 टू 1 जाई 1 माइनस जाई वाई जाई डी जाई माइनस एक्स बाई टू, तो इसको लिख सकते हैं वाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स अपॉन टू, यानी ये फंक्शन और ये फंक्शन साथ में रख दिए, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x जाई एक्स माइनस जाई वाई जाई डी जाई प्लस एक्स 0 टू 1 जाई 1 माइनस जाई वाई जाई डी जाई। अब फिर से हमारे पास ये सॉल्यूशन आ चुका है, अब इसको हमें टू एक्सप्रेस दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, वी स्प्लिट द सेकंड इंटीग्रल इनटू टू इंटीग्रल्स, तो ये हमारे पास ये सिंपल एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स अपॉन टू रहा, 0 टू x एक्स माइनस जाई वाई जाई डी जाई रहा, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि जब x तो ये बाहर है ही, 0 टू x इंटीग्रेशन है तो जाई 1 माइनस जाई डी जाई यू जाई, और उसके बाद एक्स टू वन, ये हो गया हमारे पास। अब अगर देखें तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन 0 टू x है और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन 0 टू x है, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये हो गया 0 टू x एक्स माइनस एक्स जाई, इनका मल्टीप्लाई अंदर कर दिया हमने, वाई जाई तो कॉन्स्टेंट है ही, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे अगर देखें एक्स जाई माइनस साइन की वजह से ये अंदर, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस जाई, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस जाई माइनस जाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक जगह जो हमने मिस्टेक की हुई है, इसमें इसमें मिस्टेक ये है कि जाई स्क्वायर आएगा, एक्स जाई आएगा और सॉरी जाई स्क्वायर और जाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस प्लस और माइनस आ जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पे देखेंगे तो जाई स्क्वायर माइनस और ये आ जाएगा प्लस का जाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस का जाई स्क्वायर, तो जाई स्क्वायर से जाई स्क्वायर कट जाएगा, और बेसिकली आ जाएगा हमारे पास
ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स जाई और जाई मतलब जाई।